गाइस अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो उसमें वायरस तो ज़रूर आया होगा। तो गाइस वायरस आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। हमारे पीसी पर अगर हम किसी पायरेटेड वेबसाइट पे जाते हैं किसी भी मूवीज़ को डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ पर गाइस हम क्लिक डाउनलोड पे करते हैं लेकिन ओपन नया पेज हो जाता है, क्लिक किसी और पे करते हैं और ओपन कुछ और हो जाता है। तो गाइस वो जो वेबसाइट होती है ऐसी वेबसाइट वे पायरेटेड वेबसाइट होती है और उनसे ही जो भी हम कंटेंट डाउनलोड करते हैं, वीडियोस डाउनलोड करते हैं, मूवीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ से वायरस भी डाउनलोड हो जाता है उनके साथ में। और भी गाइज हम हम हैक वर्जन को यूज़ करते हैं, किसी अनपेड वाले वर्जन को अगर हम फ्री में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी वायरसेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में गाइज जो हमारे पीसी पर जो वायरस है वो डाउनलोड हो जाते हैं जो भी हम फाइल डाउनलोड करते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो, किसी हैक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो जो आप फ्री में यूज़ कर रहे हो किसी पेड वर्जन को, तो ऐसे केस में भी जो हमारा जो पीसी है उसमें वायरस आ जाते हैं। और गाइज एक बार ये वायरस आ जाता है तो उसको निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये कई हज़ारों फाइल्स में हमारे अंदर चला जाता है पीसी के और उसको डिलीट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और सिंपली गाइज आसानी से हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, किसी फाइल को डिलीट कर लेते हैं या अगर हम पीसी को रीसेट कर लेते हैं तो वैसे भी गाइज कम्प्लीटली जो वायरस है वो रिमूव नहीं होता है। आपको किसी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है या जो गाइस पेड होते हैं। लेकिन गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप अपने पीसी से 100% वायरस को कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे आप अपने पीसी विंडोज़ 10 से या विंडोज़ 10 से नीचे आप यूज़ कर रहे हो कोई विंडोज़ 7 8 तो उससे भी आप कैसे वायरस को रिमूव कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको ऐसी वेबसाइट पर नहीं जाना जो पायरेटेड वेबसाइट होती है। जो आप मूवीज़ को डाउनलोड करना चाहते हो कोई भी ऐसी वेबसाइट पर न जाए जिससे आप वहाँ से वायरस डाउनलोड हो जाए, उसके साथ आपको ट्रस्टेड वेबसाइट से ही मूवीज़ को डाउनलोड करना है, किसी पायरेटेड वेबसाइट से नहीं करना। जो गाइस एक ही बारी में मूवीज़ को या कोई भी फाइल्स को या सॉफ्टवेयर को एक ही बारी में डाउनलोड कर देते हैं ऐसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। और गाइस आपको बार बार किसी पेन ड्राइव को आप अपने पीसी पे इंस्टॉल करते हो तो वैसे भी वायरस आ जाते हैं हमारे इसमें। जो बाहर से हम किसी भी डिवाइस से अपने पीसी पर वायरस को डाउनलोड कर लेते हैं तो ऐसे में गाइस आपको बाहर की किसी भी अननोन की बार बार यूज़ नहीं करना किसी भी पेन ड्राइव को। तो चलिए गाइस मैं दिखाता हूँ आप कैसे विंडोज़ 10 से या विंडोज़ 7 8 से आप अपने वायरस को रिमूव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सिंपली सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, सेटिंग सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको अपडेट इन सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको विंडोज़ सिक्योरिटी पे आ जाना है, यहाँ पर आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। और आपको सबसे पहले गाइस अपने पीसी को सबसे पहले स्कैन कर लेना है, क्विक स्कैन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, क्विक स्कैन रनिंग, ठीक है, एस्टिमेट टाइम रिमेनिंग। और फाइल्स यहाँ पर हमारी जितनी भी है पीसी पर वो स्कैन हो रही है तो यहाँ से भी हम जो वायरस है उसका पता लगा सकते हैं। और गाइस ये हमारे विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है विंडोज़ डिफेंडर, ठीक है, विंडोज़ सिक्योरिटी के लिए। तो ये तो विंडोज़ 10 में आता है गाइस। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 से नीचे कोई भी विंडो है आपके पास तो उस पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, विंडोज़ डिफेंडर वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ये विंडोज़ 10 के लिए है सिर्फ। अगर आपके पास नीचे है या विंडोज़ 10 में भी गाइस आपको लगता है कि मेरे पीसी पर और वायरस है और वायरस आप रिमूव करना चाहते हो, कम्प्लीटली रिमूव करना चाहते हो, बिल्कुल एक भी वायरस आप अपने पीसी में नहीं रखना चाहते हो, तो उसके लिए गाइस आपको मैं एक फ्री तो नहीं गाइस बट उसका 30 दिन का ट्रायल है, वो सॉफ्टवेयर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है क्विक हील, HEAL, ठीक है, सबसे ऊपर की वेबसाइट आ जाएगी quickheal.com, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वेबसाइट का, उस वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। यहाँ पर जैसे आप आओगे तो गाइज़ आपको यहाँ पर ये क्विक हील टोटल सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। गाइज़ ये पेड है, ये 1909 रुपये का है पर ईयर, ठीक है, एक साल का 1909 रुपये का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिलता है बट इसका 30 दिन का फ्री ट्रायल, आप इसको ट्राई कर सकते हो और अपने वायरस को पीसी से रिमूव कर सकते हो। आप डाउनलोड फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, नीचे लिखा है इसको डाउनलोड कर लेंगे, ओपन डाउनलोड। तो गाइस ये 283 MB का है पूरा, चलिए इसको डाउनलोड होने देते हैं। और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे हम अपने पीसी से कम्प्लीटली जो वायरस है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो गाइस ये डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्विक हील टोटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन इज इंस्टॉलिंग जस्ट वेस्ट स्कैनिंग मेमोरी। तो गाइस आपको इसमें 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है, उस पीरियड में गाइस आप अपने पीसी को स्कैन कर सकते हो और अपने जो पीसी पर वायरसेस है उनको आप रिमूव कर सकते हो अपने पीसी से। और गाइस ये 99% हमारा जो पीसी में वायरस है उसको रिमूव कर देता है। और गाइस आपके पीसी में बहुत ज़्यादा वायरसेस है और आप तो गाइस आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है ये, बट आप इसको फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हो। 30 दिन का ट्रायल है, आप उसको यूज़ करके अपने पीसी से वायरसेस निकाल सकते हो इस पीरियड में। नेक्स्ट कंटिन्यू कंटिन्यू नेक्स्ट इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस लेट इट बी इंस्टॉल्ड। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, रजिस्टर नाउ और रजिस्टर लेटर। तो आपने रजिस्टर लेटर पर क्लिक करना है। तो गाइस ये इंस्टॉल हो चुका है, चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो क्विक हील सिक्योरिटी के नाम से ये आइकन है, इसको ओपन करेंगे आप। तो गाइस आप जैसे इसको ओपन करोगे ये दिखेगा फ्री ट्रायल इज नॉट एक्टिवेटेड, एक्टिवेट नाउ। तो आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री, स्टेट, सिटी ये फिल कर देना है। चलिए गाइस मैं डिटेल्स ये फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। नेक्स्ट ट्रायल वैलिड टिल 21 जून 2021। आज 21 मई है गाइस, तो पूरे एक महीने तक हमको इसका जो ट्रायल वर्जन है वो मिलता है। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम इज़ एट रिस्क, सिक्योर, सिस्टम इज़ सिक्योर। तो गाइस आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो और स्कैन करने के लिए सिंपली आप इसको स्कैन नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा सिस्टम है वो स्कैन हो रहा है और जो वायरसेस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप अपने पीसी को स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर लिखा रहा है फाइल स्कैन, कितनी फाइल हो चुकी है और कितने पैक्ड है, थ्रेड डिटेक्टेड, कितने थ्रेड्स आपके यहाँ पर डिटेक्ट किए गए हैं। यहाँ पर ये आपका स्टेटस शो कर देगा, स्कैनिंग स्टेटस 41%। तो गाइज क्विक हील टोटल सिक्योरिटी का यूज़ करके आप अपने पीसी से फ्री में वायरस को रिमूव कर सकते हैं। गाइस काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। स्कैनिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली, नो वायरस फाउंड। अगर वायरस फाउंड होता है तो यहाँ पर आपको ये नोटिफाई कर देगा और आप उसको यहाँ से वो रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। क्लोज, यहाँ पर आपको प्रोटेक्शंस का ऑप्शन मिलेगा गाइज, वायरस प्रोटेक्शंस, स्कैन, सेटिंग, ब्राउजिंग, ढेर सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। प्राइवेसी, परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से गाइज आप अपने पीसी से वायरस को रिमूव कर सकते हैं। सो गाइज देखा कितना इजी है, इस तरीके से हम अपने पीसी से वायरस को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है या उससे लोअर है तो आप इस तरीके से, इस ट्रिक से आप अपने पीसी से वायरस को रिमूव कर सकते हैं। आप इसका जो फ्री ट्रायल है 30 दिन तक है गाइज, आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो क्विक हील का। इसके थ्रू गाइज आप अपने पीसी से रिमूव कर सकते हो टोटल वायरस। 99% आपके पीसी से रिमूव हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे पीसी पर अभी वायरस है तो आप अपने पीसी को रीसेट कर सकते हो। और गाइज या इस सबसे बेटर होगा आप अपने विंडोज़ को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे गाइज 99 आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके 99.9% आपको जो वायरस है इस ट्रिक से रिमूव हो जाएगा और आपका जो पीसी है उससे में कोई भी वायरस नहीं रहेगा। तो गाइस विंडोज़ 10 में तो ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट ही आता है विंडोज़ डिफेंडर के नाम से, तो वो तो वहाँ से वो आप उसको रिमूव कर सकते हो। बट अगर आपके पास विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 है तो उससे भी गाइस आप क्विक हील सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप अपने पीसी से वायरसेस को रिमूव डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को गाइस। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।